नमस्कार एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं पायनियर के न्यू फ्लैगशिप सबवूफर की। इसका मॉडल है 1212D4। इसके अंदर दो मॉडल्स हैं, एक S4 एक D4, सिंगल कॉइल एंड डबल कॉइल। ज़्यादा जो फेमस है वो ये वाला मॉडल है, डबल कॉइल वाला, और ये डुअल 4 ओम्स का है। तो दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं कि 3-4 सालों से पायनियर 400 RMS के सबवूफर निकाल रहा है, और ये सबवूफर जो है ये थोड़ा सा उनसे हैवी है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी उनसे बहुत बेटर है। तो इसके ऊपर जो इसकी पीक पावर है वही ये 1600 वाट्स है। इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इन्होंने इसके ऊपर क्या क्या बॉक्स पे मेंशन किया हुआ है, क्या क्या चीज़ें इन्होंने दी हैं इस सबवूफर के अंदर। इंजेक्शन मोल्डेड पॉलीप्रोपिलीन कौन है इसके अंदर, ठीक है। डुअल लेयर फाइबर रीइंफोर्स इलास्टिक पॉलीमर सराउंड है, डबल स्टैक मैगनेट है, लंबी वॉइस कॉइल है, ऑप्टिमाइज्ड बास्केट है जो इन्होंने न्यू स्टील की यूज़ की है, ठीक है। फर्मली इनक्लोज बॉटम बास्केट टू सपोर्ट रिलायबल बेस रिप्रोडक्शन बाय रिड्यूसिंग स्प्रेड ऑफ अननेसेसरी वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो इसकी नीचे वाली जो बास्केट है वो उन्होंने इस तरीके से लगाई है कि उससे जो अननेसेसरी जो एयर वेंटिलेशन की नॉइज़ वगैरह वो नहीं आती, और उससे बेस काफ़ी अच्छी बनती है, और उससे समट कूलिंग का भी इफेक्ट इससे आता है। ये भी हम बाद में देखेंगे, खोलेंगे इसको तो देखते हैं क्या क्या आता है। और कुछ उन्होंने मैंशन किया हो और यहाँ पर इसका ये और कुछ मेंशन नहीं है, ज़्यादा कटआउट है और ये ग्राफ दिया हुआ है इसका, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं दोस्तों। जितना जैसे मैं सब उसमें खोल रहा हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसा रिव्यू आपको हमारे चैनल पर मिलता है कार ऑडियो के इक्विपमेंट का, चाहे वो एम्पलीफायर हो या सबवूफर हो या कोई भी आइटम हो, हमारे चैनल से अच्छा रिव्यू कोई और दूसरा चैनल नहीं करता मेरे हम्बल ओपिनियन में, क्योंकि हम आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपको बताते हैं जो आपको दूसरे चैनल्स में नहीं मिलेगी, ठीक है। हमारे चैनल में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा इस प्रोडक्ट में। आप चाहे तो दूसरे चैनल की वीडियोस भी देख सकते हैं और हमारे भी वीडियो देख सकते हैं बाद में, तो आपको हमारे वीडियोस में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो उन वीडियोस में मेंशन ही नहीं होंगी, ठीक है। ये इसके साथ इसके माउंटिंग स्क्रूज हैं दोस्तों, ये इसका वारंटी कार्ड है जो हम भरकर भेजेंगे, ये इसकी मैनुअल और ये इसकी मैनुअल है, ठीक है। इसको साइड में रख देता हूँ, ऊपर को बाहर निकाल देता हूँ। बहुत ही अच्छी थर्माकोल की पैकिंग में है जैसे उनके दूसरे पुराने वाले मॉडल्स हैं, और ये फोम टेप है डुअल साइडेड, ये वूफर के पीछे लगती है यहाँ पे ताकि ये पूरी तरह से डब्बे में सील हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है, देखिए ये पॉलीप्रोपिलीन है, इंजेक्शन मोल्डेड पॉलीप्रोपिलीन। तो दोस्तों देखिए दो तरह के कोन होते हैं, एक होता है वैक्यूम प्रोसेस से फॉर्म होता है, वो थोड़ा पतला होता है, सॉफ्ट होता है। ये वाला जो कोन है ये इंजेक्शन मोल्डेड मशीन के अंदर बनता है, ये थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा रिजिड होता है, ठीक है। तो ये हाई पावर पे ज़्यादा फ्लेक्स नहीं होता, ये अपनी ये डिफॉर्म नहीं होता है। और ये डुअल इलास्टिक पॉलीमर सराउंड है, ठीक है, ये इसकी भी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। बाकी मेरे हम्बल ओपिनियन में जो ब्यूटल रबर सराउंड है वो इससे बेटर है, बाकी ठीक है। ये प्लास्टिक की गैसकेट दी हुई है बाहर। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो कोन आप लोग समझते हैं उसको, ये एक्चुअल में ये कोन नहीं है, ये एक डस्ट कैप है। इनका जो इस वूफर का जो एक्चुअल कोन है ना, दैट इज़ ऑफ पेपर, नॉन प्रेस पेपर, जो कि आपको यहाँ से दिखेगा। इसको अगर आप उल्टा करते हैं, और देखिए ये वाली जो बात है ये आपको और किसी भी चैनल में नहीं बताई गई है, ठीक है, और ये एक्सक्लूसिव है जो हम आपको अपने चैनल पर बता रहे हैं, ठीक है। पायनियर भी इसको क्लेम करता है कि ये IMPP कोन है, बट एक्चुअल में ये एक, आप देख सकते हैं नीचे से अगर आप देखेंगे तो ये एक पेपर कोन है, ये देखिए ये पेपर कोन है, ठीक है। और अगर इसके नीचे वेंटिलेशन के होल्स दिए हुए हैं, यहाँ से जो जो गर्म हवा होती है वो बाहर निकलती है और ठंडी अंदर जाती है। तो अगर आप इसके अंदर लाइट भी मार कर देखेंगे तो जो ये ऊपर जो ये डस्ट कैप इन्होंने ले करी हुई है, ये आपको नज़र भी आएगा कि यहाँ से चिपकाई हुई है सिर्फ, ठीक है। और इसके अंदर ये आप देख सकते हैं प्रोग्रेसिव स्पाइडर्स यूज़ हुए हैं रेड कलर के, टेंसल वायर्स के ऊपर इन्होंने यहाँ पर फोम दी है ताकि इसकी आवाज़ ना आए। टर्मिनल्स सेम हैं जो 1211 में यूज़ हुए हैं, रेबल ऑडियो में भी यही यूज़ होते हैं, काफ़ी बड़े टर्मिनल्स हैं, ठीक है। और इसको उल्टा कर लेते हैं हम दोस्तों। इसके अंदर एक और चीज़ आप देखेंगे, इसके अंदर जो पोल पीस के अंदर जो होल होता है वो इसके अंदर नहीं दिया गया है, ठीक है। और वूफर जो है दोस्तों ये मेड इन वियतनाम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें आप बताइए कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कहाँ की है। तो दोस्तों देखिए आप अभी सबवूफर को देख रहे हैं तो आपको ये काफ़ी बीफी लग रहा होगा कि भाई ये तो इससे तो तगड़ा सबवूफर हो ही नहीं सकता। आप इसको ऐसे देखिए तो ये काफ़ी जितना चौड़ा ऊपर 10 इंच नीचे से चौड़ा है ये जी,
आई होप आप देख पा रहे हो, ऊपर से इसका जो ओडी है वो 12 इंच है और नीचे से ये ऑलमोस्ट 10 इंच का है, 10-11 इंच का। तो इसकी वजह से इसकी जो अपीयरेंस है बहुत अच्छी आती है और हमें लगता है कि भाई बहुत तगड़ा वूफर है, बट है भी तगड़ा वूफर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट ये सिर्फ डिसीविंग के लिए होता है। तो चलिए मैं जल्दी से इसको खोल कर आपको एक्चुअल दिखाता हूँ इसके और फीचर्स क्या हैं और ये एक्चुअल में इसकी मैगनेट साइज़ क्या है और मैगनेट कैसी है। तो दोस्तों देखिए, अब ये वाली जो बैक प्लेट है इसकी जो पायलट ने दी है वूफर के साथ, इसको मैंने रिमूव कर लिया, ये सिर्फ 4 स्क्रूज से लगी होती है, इसको हम हटा लेते हैं। तो अब आप एक्चुअल वूफर देखेंगे, अब आपको ये रेबल या फिर JBL या सोनी 1800 वाट, अब आपको ये कवर उतारने के बाद उनके जैसा लगने लगेगा। अब देखिए इसको मैंने उतार दिया है, ठीक है। अब आप मैग्नेट साइज़ देखिए इसका, इसकी बैक प्लेट देखिए, ठीक है, ये इसके ऊपर जिंक प्लेटिंग हुई हुई है ताकि इसके ऊपर रस ना हो, इसके ऊपर कोई पेंट नहीं किया हुआ है पायलट ने। और अब आप ये देख सकते हैं ये होल्स छोटे छोटे दिए हुए हैं, ये कूलिंग के लिए दिए हुए हैं बास्केट के अंदर, ताकि यहाँ से जो गर्म हवा है वो क्रॉस कर सके और कूल एयर अंदर जा सके इसके। तो अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर इसका मैग्नेट का साइज़ क्या है, तो इसका साइज़ है 145 mm जो मैंने नाप लिया था, बट मैं आपको भी एक बार इसको नाप कर दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट है कि ये 155 mm का मैग्नेट पायलट यूज़ करता है, बट एक्चुअल में 145 mm यूज़ करता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 145 mm यूज़ करता है पायलट, 145 mm के डुअल स्लग्स हैं। और ये ग्रेड कौन सा ये मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें कोई शेयर करना चाहेगा। और ये आप देख सकते हैं बास्केट कैसी है, ठीक है, पतली सी अपर प्लेट है, पतली सी ही बॉटम प्लेट है। और अब आप ये इस वूफर का एक्चुअल में ये क्या है इसको देख सकते हैं, ठीक है, ये इसकी ऐसी लुक्स हैं इस वूफर की। एंड इस वूफर में दोस्तों ऐसा पायनियर ने क्या चेंज किया कि मुझे ये वूफर अच्छा लगा, देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पंजाब के अंदर ख़राब होने वाला सबसे ज़्यादा अगर कोई वूफर ख़राब होता है तो ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है जो मैं बोलने लगा, वो है 1211D4, ये वूफर सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। उसका कारण ये है कि ये ट्रैक्टर्स पे लगता है सबसे ज़्यादा और बहुत सारी रीजंस की वजह से ये ख़राब होता है, उसमें क्लिपिंग भी है, ओवर पावरिंग, अंडर पावरिंग, एक्सेसिव यूजेज, बहुत सारे रीज़न है उसके ख़राब होने के, ठीक है। और ये वूफर अब पायनियर ने इसीलिए इसके अंदर एक मेजर चेंज किया है, इस वूफर के अंदर इसके अंदर इन्होंने जो वॉइस कॉइल डाली है दोस्तों, उस वॉइस कॉइल का साइज़ है 2.25 inches, ठीक है, और 1211 के अंदर 2 inch की कॉइल है, JBL में 2 inch, रेबल में 2 inch, सोनी में 1.5 inch। तो इसकी जो कॉइल साइज़ है उसका साइज़ है 2.25 inch। कॉइल बड़ी होने से वाइंडिंग भी इन्होंने इसकी बढ़ा दी है, वाइंडिंग की हाइट भी और कॉइल का जो ओडी है वो भी बढ़ा दी है। उससे क्या होगा कि अगर सपोज़ कीजिए, एक तो इसकी पावर रेटिंग तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जैसे पिछले 400 RMS के थे तो ये 500 RMS का है, इससे ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा अब्यूज़ हैंडल करने में। बेसिकली इसको ज़्यादा बीफी इसके अंदर बड़ी कॉइल इसलिए ही डाली गई है ताकि एक्सेसिव यूजेज के बाद ये ख़राब ना हो, ठीक है, क्योंकि वारंटी 1 साल की देती है पायलट, एंड कॉइल भी उसके अंदर कवर्ड है, हमारे यहाँ पंजाब में तो कवर्ड है, बाकी इंडिया के पार्ट्स में कवर्ड है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, बाकी कॉइल बड़ी करने का रीज़न यही था ताकि वूफर जल्दी ख़राब ना हो, ठीक है, क्योंकि इससे पायलट को बहुत ज़्यादा एक्सेस लॉसेज हो रहे थे। तो दोस्तों यही मेरा इसके इस वूफर का जेन्युइन रिव्यू है, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये पूरे इंडिया में कोरियर हो जाएगा। ये इसकी बैक प्लेट है 10 इंच की, पीछे से आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा कप जैसा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इस वूफर का बाहर का और अंदर का पूरा डिटेल दे दिया है, तो फिर भी अगर आपको लगता है कोई, अगर आपने इसके रिगार्डिंग कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा वीडियो नंबर पे शो हो रहा है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।